हेलो एवरीवन, ये है जेके सीमेंट के क्वार्टर टू के रिजल्ट। तो आगे यहाँ पर देखते हैं कि इस शेयर के रिजल्ट कैसे रहे हैं। शुरुआत करेंगे टोटल इनकम से। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ईयरली बेसिस में यहाँ पर जो इनकम है वो 2,598 करोड़ था, जो इस क्वार्टर में 2,428.47 करोड़ हो गया है। पिछले बार ये यहाँ पर 2,686 करोड़ था। यानी आप देख सकते हैं यहाँ पर कि पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में जो है इनकम डिक्रीज हुई है, और यहाँ पर ईयरली बेसिस और क्वार्टरली बेसिस से भी यहाँ पर जो है इनकम डिक्रीज हुई है। और टोटल एक्सपेंसेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ईयरली बेसिस में 2,352 करोड़ था, अब यहाँ पर 2,364 करोड़ हो गया है। पिछले बार ये 2,395 करोड़ था। यानी ईयरली बेसिस से क्वार्टरली बेसिस और क्वार्टरली बेसिस से ईयरली, इस बार के क्वार्टर में यहाँ पर जो है डिक्रीजमेंट देखने को मिला है। सॉरी, यहाँ पर पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर यहाँ पर जो है खर्चे बढ़ गए हैं, लेकिन यहाँ पर जून के क्वार्टर से जो है खर्चे कम आए हैं। तो देखते हैं यहाँ पर इस शेयर के टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को। टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम यानी प्रॉफिट जो है यहाँ पर ईयरली बेसिस में 179.6 करोड़ था, अब 44.94 करोड़ हो गया है। पिछले बार ये 202.42 करोड़ था। यानी आप देख सकते हैं क्वार्टरली बेसिस से इस ईयरली बेसिस से इस क्वार्टर और यहाँ पर पिछले बार के क्वार्टर से इस क्वार्टर में डिक्रीजमेंट देखने को मिला है। तो यहाँ पर प्रॉफिट्स भी अच्छे जनरेट नहीं हुए हैं। अर्निंग पर शेयर 23.16 रुपये था, इस बार 5.85 रुपये हो गए। पिछले क्वार्टर 26.23 रुपये था। यानी कि यहाँ पर ईयरली बेसिस से और क्वार्टरली बेसिस से अर्निंग पर शेयर डिक्रीज हुआ है। तो इस वजह से मंडे को भी जो है थोड़ी बहुत गिरावट देखने को यहाँ पर आपको इस शेयर में मिल सकती है। चाहे तो लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से अभी यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं, लेकिन क्वार्टर रिजल्ट अच्छे नहीं आए हैं तो होल्ड करके रखिए है।